बोलिए। ये है एमडी रुस्तम, ये मेरे ससुर जी है, ये है और ये हमको धमका रहे हैं, ये हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम केस उठा लो, केस नहीं उठाई तो कुछ भी हो सकता है, मेरे जान को खतरा है। हावड़ा के टीएमसी नेता और पूर्व पार्षद फिर सुर्खियों में, सगी भतीजी और बहू ने लगाया जान से मारने का संगीन इल्ज़ाम। हावड़ा के वार्ड नंबर 16 के पूर्व पार्षद मोहम्मद रुस्तम के खिलाफ अब उनकी भतीजी ने संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने वाली महिला ने बताया कि वो मोहम्मद रुस्तम के बड़े भाई मरहूम मोहम्मद अकरम की बेटी हैं और साल 2019 में इस महिला की रुस्तम के बेटे मोहम्मद राज के साथ टीपू सुल्तान इस्लामिक सेंटर में निकाह हुआ था। निकाह के बाद वे मोहम्मद राज, जो कि टीएमसी नेता मोहम्मद रुस्तम के बेटे हैं, दोनों खुशी खुशी से एक साथ रहने लगे। मगर दूसरी ओर लड़के के पिता यानी टीएमसी नेता को ये एक आंख नहीं भाया और तभी से विवाद शुरू हो गया। इस महिला ने आरोप लगाया कि साल 2019 में शादी के बाद सब कुछ ठीक था और वे और उनके पति कोलकाता के कौसीपुर इलाके में एक साथ रहने लगे, लेकिन लड़के के पिता ने कभी भी इस शादी को नहीं माना और हमेशा कोशिश की कि उनका बेटा इस शादी को तोड़ दे और आखिरकार उनका पति 2021 में घर छोड़कर चला गया। महिला ने बताया कि उनका पति घर छोड़कर सीधे अपने बाप के घर हावड़ा पिलखाना चला गया और जब वो अपने पति के पास जाती है और घर वापस चलने को कहती है तो उनके पति मोहम्मद राज और उनके पिता मोहम्मद रुस्तम ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। फिलहाल पति पत्नी के बीच मामला कोर्ट में चल रहा है और अब महिला ने ये आरोप लगाया है कि उनके ससुर, जो रिश्ते में उनके चाचा भी हैं, उसे केस वापस लेने के लिए धमकी दे रहे हैं। महिला को अब जान का डर है और उसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर जब टीएमसी नेता मोहम्मद रुस्तम से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फिलहाल मीडिया के सामने कुछ कहने से मना कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीदा बानो है और मैं लेट मोहम्मद अकरम, मेरे वालिद साहब हैं और हम हावड़ा पिलखाना के रहने वाली हूँ और 18/19 नंदो घोष रोड, ये मेरा मम्मी का घर है और मेरा हस्बैंड एमडी राज है और एक्स काउंसिलर एमडी रुस्तम मेरे चाचा जी भी हैं, ससुर जी भी हैं। मेरे से इनका लड़का का शादी हुआ, हम दोनों शादी किए हम लोग टीपू सुल्तान इस्लामिक सेंटर, वहाँ पे हम दोनों का शादी हुआ 15 नवंबर 2019, इसमें हम दोनों का शादी हुआ। अब उसके बाद से मेरे ससुर जी इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं है, एकदम शादी को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके वजह से मेरे ऊपर बहुत परेशान किया, मेरे हस्बैंड को भी किया। मेरे हस्बैंड चले गए, मेरे पास है नहीं। 2021 में मेरे हस्बैंड मेरे पास से चले गए, मेरे पास है नहीं। अब 2021 से हमारा मैटर केस पे ऑलरेडी चल रहा है, मैटर चल रहा है, ये कोर्ट में मामला मेरा चल रहा है। उसके बाद जो मेरे पर अब जो हो रहा है, ये जो मीडिया में हम आए हैं, बहुत मजबूरन आए हैं, हम बहुत परेशान हो चुके थे इस बात के लिए कि हमको बहुत धमकी दिया जा रहा है कि केस वापस लो, इस बात से हमको बहुत परेशान किया जा रहा है। तो हम इसी बात से बहुत परेशान थे, बोल के हमको मीडिया में आना पड़ा। काफ़ी टाइम से चल रहा है और ये ऐसे ही करते हैं मेरे साथ, और जब से शादी के लिए हमको बहुत परेशान किया गया है, अब मजबूरन हमको ये करना पड़ा, मीडिया में आना पड़ा। धमकी मतलब कैसी धमकी, क्या फ़ोन वगैरह में आपको धमकी मिली ने क्या? मेरी मम्मी का घर है हावड़ा पिलखाना, वहाँ हम जाते हैं तो ये इसके लोग रहते हैं, ये रहते हैं, तो इन लोग धमकी देते हैं कि ऐसा कर लो, केस का मामला को सॉर्ट आउट कर दो, केस का मामला को सॉल्व करो, नहीं तो कुछ भी तुमको करेंगे, तो ये कुछ भी हमको हो सकता है, मेरा जान को ये कि तुम केस वापस लो नहीं तो मार देंगे कुछ भी कर देंगे हम। तो ये तो मेरा जान को डर है और हमको भी डर इस बात पर हो चुका है कि ये ऐसा बोल रहे हैं आज, ये ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि रास्ता वही है हम दोनों का, एक ही जगह है जहाँ पे हम आते जाते हैं, मम्मी का घर है मेरा वहाँ पे। तो ये मैटर से हम बहुत परेशान हैं, हमको बहुत परेशान किया जा रहा है, इस बिना पे हम बोल रहे हैं। मेरा जो मैटर है वो केस तो नॉर्मली चल रहा है, उसका कानून से मेरा होगा इंसाफ। केस किसके अगेंस्ट में किया, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में किया ना अपने ससुर के खिलाफ? हम केस किए अपने हस्बैंड पे, मेरे हस्बैंड मोहम्मद राज। अच्छा।
मेरे हस्बैंड से वो शादी किए, वो अचानक से चले गए, क्या मैटर है नहीं है इसका हमको कुछ भी पता नहीं। वो ससुर जी, आपके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड चले गए ससुर जी के बोलने पे गए, उसके पापा का बोलने पे गए, उसके पापा को मतलब राजी नहीं थे इस शादी से उसके पापा। तो क्या आपके हस्बैंड किसी दबाव में गए? हाँ, और जब दबाव में ही गए हैं जभी तो ऐसा है। तो आप जाने के बाद आपके शौहर साथ भी बात हुई? जी नहीं, कहाँ, एकदम भी नहीं बात होता है, नहीं कुछ मैटर है। 2021 से बस एक बच्चे को लेकर हम अकेले, तो हम यहाँ पे रहते हैं, अकेले रहते हैं। हौड़ा जगह उनसे मिली नहीं कि क्यों नहीं आ रहे हमारे घर में? जी ज़रूर, वो स्टार्टिंग में जब मेरे शौहर को ले गए तो हम वहाँ पे गए थे, और वहाँ के पुलिस ऑफिसर के पास गोलाबाड़ी थाना भी गए थे। गोलाबाड़ी थाना ऑलरेडी मेरे साथ दो ऑफिसर के साथ गया था उनके घर। अच्छा। तो वो हमको डांट के भगा दिया, बोला कि कोई मतलब नहीं, रुस्तम, MD रुस्तम, वो हमको डांट के भगा दिए, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ, तुम कौन हो हम नहीं जानते हैं। वो हमको जानने से इनकार किए कि हम तुमको नहीं जानते हैं। उसके बाद फिर वो दो ऑफिसर को लेकर हम वापसी हो गए। मेरा GD दिया हुआ है 2021 का, मेरे पास है। आपने FIR किया है? जी जरूर, मैंने FIR किया है। चीतपुर बहू नहीं मान रहे ना, आपको भतीजी नहीं मान रहे? वो कुछ भी नहीं मानते हैं, ना ही बहू माने ना ही भतीजी माने। नहीं तो वो तो एक बार पूछ सकते थे ना, क्या बात है, क्या हुआ, क्यों ऐसा करेंगे, कोई भतीजी के साथ ऐसा करता है? शादी हुई थी राज के साथ में, मोहम्मद राज, तो आपने आपके जो फादर इन लॉ, आपके जो अंकल है जी, उनको मालूम नहीं था ये शादी के बारे में? नहीं, ये आप लोग छुप के शादी की थी? हम दोनों शादी किए थे छुप के। हाँ, ये हम दोनों शादी किए थे। उसके बाद आपके घर वालों को मालूम था कि आप लोग? नहीं, उन लोग को भी नहीं मालूम था। किसी को बताया आप लोग? नहीं, किसी को नहीं बताया। आप जी 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 हम डिवोर्सी थे, मेरा एक बच्चा है पहले से। जी पहले से। आपके हस्बैंड को इस बात का इल्म था? जी बिल्कुल बिल्कुल इल्म था, क्योंकि हम लोग पिलखाना के ही रहने वाले हैं। आप अभी केस किया है? जी। केस में क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या केस का? तो मेरा मैटर जो चल रहा है उससे में कोई इंसाफ मिलेगा, हमको कानून पे भरोसा है। केस पे जो चल रहा है वो ठीक है। अभी मीडिया पे आने का मेरा मतलब ये है कि हमको ट्रेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जान का धमकी दिया जा रहा है, तो इस वजह से सिर्फ हम मीडिया पे आए हैं। इस मजबूरन में केस वापिस लो, केस वापिस लो, इस बात पे हमको बोला जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है कि केस वापिस लो। तो धमकी दी जा रहा, तो आप क्या आपके लोकल थाना वगैरह में गई कुछ शिकायत किया कि भाई? जी गोलाबाड़ी में जाके मैंने GD लिखाया है। GD लिखा के बस उसके बाद हम मम्मी को देख के हम अपने घर आ गए। आपके चैनल के माध्यम से ममता बनर्जी जी को ये हम हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि वो मेरे साथ जो हो रहा है अन्याय, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी ट्रेड दिया जा रहा है, इसको देखे, सुनवाई करे इस पर, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसा नहीं चाहेंगी कि किसी के साथ भी कुछ, किसी महिला के साथ कुछ गलत हो। आरजी कल में ऐसा जो घटना हुआ है, ऐसा ना हो, हमको भी डर हो गया इस बात का कि मेरे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। तो अगर कुछ गलत हुआ तो इसका जिम्मेदार मेरे ससुर MD रुस्तम है। आपको अगर कुछ भी करना है, लड़ना है हमसे, तो डायरेक्टली कोर्ट में लड़िए, कोर्ट में बात होगा। कुछ भी मैटर है वो तो चल रहा है, ये बुजदिलों की तरह धमकी ना दे। आप हमको धमकी दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, ये तो गलत है, ये ऐसा आप ना करें। और मेरा कुछ भी मैटर है, जो भी चल रहा है, तो वो कोर्ट से जो भी होगा, मेरा कानून पर हमको भरोसा है, मेरा इंसाफ होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि हम सही हैं। कुछ भी है मेरा, जो भी मैटर है, अब ये धमका रहे हो आप, कुछ भी ऐसा मैटर है तो वो आप ना करें, यही आपसे मेरा कहना है।